गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा अली फजाइल की तलाश में नहीं जाता, फजाइल उसकी तलाश में आते हैं। सोच रहे होगे ना कि मैंने क्या कहा, तो जश्न ही की मुनासिबत से बातें कर रहा हूं और फिर वापस जाऊंगा, लेकिन यह जुमला तो मुकम्मल हो जाए ना। गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा अली फजीलत की तलाश में खुद नहीं जाता, फजीलत उसकी तलाश में आती है। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, अली की तमन्ना कि खैबर का आलम मिल जाए, या आलम की तमन्ना कि मैं अली के हाथ में जाऊं? ठीक है ना। अच्छा हल अता की तमन्ना, हल अता कि मैं अली के घर में नाजिल हो जाऊं, या अली की तमन्ना कि हल अता मेरे घर में नाजिल हो जाए, है ना, सवाल तो है। अच्छा अंगूठी की तमन्ना, सवाल है ना। अच्छा अली की तमन्ना कि मैं काबे में पैदा हो जाऊं, या काबे की तमन्ना कि अली मेरे अंदर पैदा हो जाए, है ना ये सवाल। अच्छा तो अब इसे आसानी से हल कर लो कि अगर अगर अली गए होते रोटियां लेकर तो अली की तमन्ना होती, और अगर फरिश्ता आ गया दरवाजे पर तो हलता की तमन्ना है। अगर अली गए होते खैबर में कि या रसूल अल्लाह आलम दे दीजिए तो अली की तमन्ना होती, और अगर रसूल ने बुला के दिया तो आलम की तमन्ना है कि मैं अली के हाथ में चला जाऊं, और अगर अगर बिनते असद ताला खोल के गई होती तो अली की तमन्ना होती, और अगर दरवाजा बन जाए दीवार में। पहुंच रही है ना बात। पहुंच गई ना बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। तो अब ज्यादा जहमत समात नहीं दूंगा, लेकिन सुनते तो जाओ। जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, नहीं रुकूंगा विलादत काबा पर, इसलिए मुझे जाना आगे। तो गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा कभी तलाश फजाइल में नहीं गया, लेकिन अब मेरा जुमला सुनना और मेरे जुमले को अपने जहनों के अंदर महफूज रख लेना। भाई अजीब अजीब बात है, अजीब बात है कि पूरे पूरे कुरान में कुल एक आयत है जिस पर अली ने नाज किया है। आराम से सुनना, बहुत आराम से, इसलिए कुछ कहना चाहूंगा। एक आयत है, जब पूछा गया ना अली से कि अली तुम्हारे इस फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत तुम्हारे नजदीक क्या है, देखो सवाल आसान नहीं है, तुम्हारी फजीलतों में तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत तुम्हारे नजदीक क्या है। अच्छा देखो, अगर इस भरे मजमे से कोई मुझसे पूछ ले कि जनाब आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, तो मुझ जैसा जलील इंसान भी 5 मिनट ले लेगा सोचने के लिए कि मैं अपनी कौन सी फजीलत बयान करूं। और वो अली जिसके लिए पैगंबर अकरम ने 23,000 फजीलतें बयान की थी, 23,000 इब्न अब्बास की रिवायत है। वक्त नहीं लिया सोचने में, जैसे ही मजमे से पूछने वाला खड़ा हुआ कि अली तुम्हारी निगाह में तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, तो मुस्कुरा के कहने लगे, ये नहीं कहा कि मैं काबे में पैदा हुआ, भाई है फजीलत है, बहुत बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है। कह देते कि रसूल ने कंधे पे खड़ा किया था, फजीलत है, सबसे बड़ी नहीं है। कह देते मुझे अपने बिस्तर पे सुला दिया था, फजीलत है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। अच्छा कह देते गदीर में मौला बना लिया था, ठीक है ना, फजीलत है, सबसे बड़ी नहीं है। तो पूछा सबसे बड़ी फजीलत क्या है, मुस्कुराए और फिर सूर्य रात की आयत पढ़ी, वयकूलु लजीन कफरु लस्त मुरसला कुल कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर कहते हैं कि मोहम्मद तू रसूल नहीं है, कह दे कि मेरी गवाही के लिए दो काफी हैं, अल्लाह काफी है और किताब का इल्म रखने वाला काफी है। तो मुस्कुरा के कहने लगे कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैं मोहम्मद की रिसालत की गवाही में उसका शरीक हूं जो ला शरीक है। रुके रहना, ला शरीक है। अच्छा लफ्ज बदल दूं, मैं उसके साथ हूं ताकि कोई तौहीद परस्त मेरे जुमले पर गिरफ्त न करे, ठीक है ना। अच्छा मैं उसके साथ हूं जो ला शरीक है। अली ने कहा मेरी सबसे बड़ी फजीलत क्या है कि मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह की रिसालत की गवाही में अल्लाह के साथ हूं, ठीक। तो अब अल्लाह की रिसालत
आखिरी रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के कुल दो गवाह, एक अल्लाह एक अली। बस रुके रहना, अभी 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 तुमसे सवाल करूंगा, कितने गवाह? दो, एक अल्लाह एक अली, ठीक है ना? दो ही हैं। बड़े आराम से सुनना, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं। तो अल्लाह ने कैसे गवाही दी? आया नहीं, उसने कुरान दिया, कुरान दिया कि ये मौजजा है और ये मेरे मोहम्मद की रिसालत की गवाही है। तो अब दो गवाह, एक कुरान एक अली, एक बोलता हुआ एक खामोश, कुरान खामोश अली बोलता हुआ, ठीक है ना? अच्छा नहीं, रुके रहो, अभी मेरे पास 16 दकीक़े हैं और 16 दकीकों में एक बात मुकम्मल करनी है। लेकिन अब ज़रा मैं पैटर्न बदल रहा हूँ, अंदाज बदल रहा हूँ, आराम से सुनना। इसलिए कम वैसे बोलता हूँ जैसे आज बोल रहा हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, आराम से सुनना। देखो, अगर मैं कसम खा के कहूँ कि इस मिंबर को किसी ने नहीं बनाया तो मानोगे? नहीं। इसलिए जब चीज़ है तो कोई बनाने वाला है, बनाने वाला। अच्छा भाई, मैं कसम खाऊं, ये माइक्रोफोन इसको किसी ने नहीं बनाया, नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, बच्चा भी नहीं मानेगा। भाई जो चीज़ है तो बनाने वाला है। अच्छा और सुनो, मज़े की बात, ये इतना हज़ारों का मजमा बैठा है, अच्छा सबके चेहरे हैं मेरी तरफ, सबकी पीठ है उधर, अगर कोई दामन खींचे तो मुड़ के देखोगे? नहीं देखोगे ना? दामन कोई खींचेगा मुड़ के देखोगे? अच्छा उधर महसूस हो रहे हैं मेरे नौजवान दोस्त, खुश हो रहे हैं और होना चाहिए, जश्न की शब है। अच्छा भाई, किसी ने दामन खींचा, आपने मुड़ के देखा? अच्छा मैं जानता हूँ कि किसने दामन खींचा, इसलिए मैं तो सबको देख रहा हूँ, ठीक है ना? बस आराम से सुनते जाओ, इसलिए बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने अंदाजे गुफ्तगू बदल दिया। अच्छा भाई, दामन खींचा आपने मुड़ के देखा, अगर मैं कहूँ कि दामन किसी ने नहीं खींचा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना? क्यों? इसलिए कि ये इल्म आपकी ज़ात के अंदर है कि जब दामन खींचा है तो किसी ने खींचा है, ठीक। अच्छा जब आप मुड़े ना देखने के लिए किसने खींचा दामन, वो खींचने वाला खींच के बैठ गया, आपने तो देखा नहीं। मैंने कहा जनाब, जब आपको पता था कि किसी ने दामन खींचा तो आप बताएं कौन था? कहा कि नहीं जनाब, अल्लामा साहब ये तो आप बताएंगे। अच्छा तय हो गई बात कि आधा इल्म आपकी ज़ात में है कि दामन खींचा, आधा मैं बताऊँगा कि किसने खींचा। भाई ठीक है ना, आधा आधा मैं बताऊंगा क्या किसने खींचा। तो होता हमेशा दुनिया में यही है कि आधा इल्म होता है जात में, आधा इल्म बताने से आता है। तो ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये आसमान, ये सब बता रहे हैं कि खालिक है, और मोहम्मद बता रहा है कि खालिक कौन है। आधा इल्म फितरत में है, ठीक, आधा इल्म बताने से आएगा। तो खुदा के, रुकना, खुदा के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद, और अब मोहम्मद के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। ये थ्योरी समझ में आ गई? अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन आराम से सुनते जाओ। अच्छा तो अब खुदा के कितने गवाह? दो, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद, मोहम्मद रसूल अल्लाह के कितने गवाह? दो, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। रुके रहना। अच्छा तो अब दो गवाह है ना, अब मुझे एक सवाल कर रहा हूँ, इंसानों में रसूल के कितने गवाह? इंसानों में कुल एक, खुदा इन सबको जिंदा रखे, सलामत रखे, खुश रखे, हाजरीन को और सामीन को, ठीक है ना? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही के लिए कितने गवाह हैं इस वक्त इंसानों में? एक। बस अब मैं पूछ रहा हूँ, नमाज पढ़ते हो, अजान में कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा तशहुद में और अत्तहियात में कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। तो गवाही तुम भी दे रहे हो, गवाही मैं भी दे रहा हूँ, गवाही मुअज्जिन भी दे रहा है, तो अभी तो कह रहे थे कि गवाह एक है। फंस गए ना भाई, फंस गए या नहीं भाई? अभी अभी कह रहे थे गवाह एक है, और अभी अशहदो, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अजान में भी, इकामत में भी, तहियात में भी, तशहुद में भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही तुमने भी दी, मैंने भी दी, मोहसिन ने भी दी, है ना? तो अब कोई ना कोई बात तो है। अच्छा तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल बनते देखा, फरिश्ता उतरते देखा? नहीं देखा ना? नबुवत पाते देखा?
नहीं देखा, किस बात की गवाही दे रहे हो? फर्क समझना बहुत बारीक बात है और यही बात को मुकम्मल कर दूंगा। किस बात की गवाही दे रहे हो? तो बात यह है कि हम रसूल अल्लाह की सच्चाई की गवाही दे रहे हैं कि वो सच्चा नबी था, उसने कहा मैं नबी हूं, हम गवाही देते हैं कि आप सच्चे हैं। हम नबूवत के गवाह नहीं हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह की सच्चाई के गवाह हैं, और वो है नबूवत पाने का गवाह। नबूवत मिल रही थी, वो देख रहा था। ठीक 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 है ना, पहुंच गई ना बात। अब फर्क समझना, फिर समझना, हम हैं ऐलान रिसालत के गवाह, अली है अताए रिसालत का गवाह, तो एक ही गवाह है ना, एक ही गवाह है। अब सुनना बात, अली के चाहने वाले बैठे हैं, रसूल ने कहा या अली जुराशिरा की दावत दे दो, दे दी या नहीं? या अली ये तलवार लो, मरहब का सर लाओ, ले आए। या अली तलवार लो, अमर का सर ले आओ, ले आए। या अली मेरे कंधे पे चढ़ के बुत तोड़ दो, तोड़ दिया। भाई जो कहा रसूल ने कर दिया या नहीं? कर दिया। अच्छा अब एक मौका बताऊं जहां नहीं किया, फंस गए। और अगर जश्न की शब ना होती तो बयान भी ना करता। लेकिन सुनो, एक मौका है। वो जब हुदैबिया का सुलहनामा लिखा जा रहा था, सबको याद है, बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, तो अली के हाथ में कलम था, कागज़ था, लिख रहे थे। लिखा अली ने मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, वो जो मुशरिकों का नुमाइंदा आया था ना, कहने लगा कि झगड़ा तो सारा रसूल अल्लाह पे, अगर हम रसूल अल्लाह मानते होते तो हम झगड़ा क्यों करते? रसूल ने कहा अली रसूल अल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। सुना है ना वाकया? एक मरतबा अली ने कागज़ और कलम रसूल की गोद में रख दिया और कहने लगे या रसूल अल्लाह ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह ये तो आप ही काटेंगे, मैं तो नहीं काटूंगा, ये तो आप काटेंगे। अब मैं हैरान हो गया कि रसूल ने कहा अली उठो, उठ गए। रसूल ने कहा अली बैठो, बैठ गए। रसूल ने कहा अली कंधे पे आ जाओ, आ गए। रसूल ने कहा अली तलवार लो, मरहब का सर लाओ, ले आए। कहा अली जुराशिया की दावत दे दो, दे आए। और कलम दवात गोद में रख दिया और कहा या रसूल अल्लाह आप काटे तो कोई ना कोई सबब तो होगा। मैं हूं आपकी रिसालत का अकेला गवाह, अगर मैं काट दूं तो रिसालत खत्म हो जाए। पहुंच गई बात, पहुंच गई बात, बात पहुंच गई ना मेरे मोहतरम सुनने वाले, पहुंच गई। अकेला भाई, कोई और गवाह होता, कोई और गवाह, अल्लाह के रसूल, मैं तो अकेला गवाह हूं ना, अगर मैं काट दूं तो रिसालत तमाम हो जाए। तो या रसूल अल्लाह, मना नहीं किया, या रसूल अल्लाह ये अमल आप खुद अंजाम दे दें। तो वमन इंदहु इल्मुल किताब, अकेला गवाह है मोहम्मद का, रुके रहना। और अली कह रहे हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है कि खुदा ने अपने साथ रखा रिसालत मोहम्मद की गवाही में, ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है। अब सुनना और इस जुमले को जहन में महफूज रख लेना, जाओ कानून शहादत इस्लाम देखना, गवाही के कानून को देखना। पहला कानून गवाही, गवाह दो हों, पहला कानून। दूसरा कानून, दोनों गवाह बराबर के आदिल हों। तीसरा कानून, दोनों गवाहों को वाक़े का बराबर का इल्म हो। चौथा कानून, दोनों गवाहों को वाक़े पर बराबर का यकीन हो, बराबर की अदालत हो, बराबर का इल्म हो, बराबर का यकीन हो। तो अल्लाह ने रिसालत मोहम्मद की गवाही में अली को अपने करीब रख के बताया कि जैसा अदल मेरा वैसा अदल इसका, जैसा इल्म मेरा वैसा इल्म इसका, और जैसा यकीन मेरा वैसा यकीन इसका। बस पहुंच रही है बात। बस मैंने 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 बड़ी जहमत दे दी। अच्छा तो अब रिसालत मोहम्मद के दो गवाह बस, अली और कुरान। सुनना, तकरीर तमाम हो गई और अब इससे ज़्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। मेरे पास 9 दकीक़े हैं और इन्हीं 9 दकीक़ों में बात को बिल्कुल मुकम्मल कर देना है। खुदा के दो गवाह, कायनात और रसूल। कायनात खामोश, रसूल बोलता हुआ। रसूल की रिसालत के दो गवाह, कुरान और अली। कुरान खामोश, अली बोलता हुआ। अब अली की इमामत के कितने गवाह? दो गवाह। भैया यही बात को रोक दूंगा, बोलता हुआ हसन, खामोश कुरान।
सोच रहे होगे ना कि ये बात कहां तक पहुंच गई, तो तौहीद के दो गवाह मोहम्मद और कायनात, मोहम्मद के दो गवाह अली और कुरान, अली के दो गवाह हसन और कुरान, हसन के दो गवाह हुसैन और कुरान, हुसैन के दो गवाह ज़ैनुल आबिदीन और कुरान, ज़ैनुल आबिदीन के दो गवाह मोहम्मद बाकिर और कुरान, मोहम्मद बाकिर के दो गवाह जाफर सादिक और कुरान, जाफर सादिक के दो गवाह मूसी कादिम और कुरान, मूसी कादिम के दो गवाह अली रज़ा और कुरान, अली रज़ा के दो गवाह मोहम्मद तकी और कुरान, मोहम्मद तकी के दो गवाह अली नकी और कुरान, अली नकी के दो गवाह हसन अस्करी और कुरान, हसन अस्करी के दो गवाह बारवा और कुरान। अब सारा मजमा खामोश है और हक है, इन्हें खामोश होना चाहिए, और जब तक मौलाना इरफान हैदर आबिदी नहीं आ जाएंगे आज गुफ्तगू आगे नहीं जाएगी। तो अब मैं गुफ्तगू को वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये बड़े हैरान थे, मैं ये कह रहा था क़िबला कि खुदा की तौहीद के दो गवाह कायनात और मोहम्मद, मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह अली और कुरान, अली की इमामत के दो गवाह हसन और कुरान, हसन की इमामत के दो गवाह हुसैन और कुरान, हुसैन की इमामत के दो गवाह ज़ैनुल आबिदीन और कुरान, ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के दो गवाह मोहम्मद बाकिर और कुरान, मोहम्मद बाकिर की इमामत के दो गवाह जाफर सादिक और कुरान, जाफर सादिक के दो गवाह अली रज़ा और कुरान, अली रज़ा के दो गवाह मोहम्मद तकी और कुरान, मोहम्मद तकी के दो गवाह अली नकी और कुरान, अली नकी के दो गवाह हसन अस्करी और कुरान, हसन अस्करी के दो गवाह मेहदी और कुरान। अब हैरान होने की बात नहीं है कि मेहदी के कितने गवाह। इसी दिन के लिए अल्लाह ने चौथे आसमान पे ईसा को जिंदा रखा। मेहदी, बस तकरीर तमाम हो गई, और अब दुआए खैर भी क़िबला करवाएंगे, और बगैर दुआए खैर की तकरीर खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब कितने गवाह मेहदी के, कितने गवाह? दो गवाह ईसा और कुरान। बस एक रिवायत सुनो और अब मुझे इजाज़त दे दो। मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि अगर किताब सही हो तो ज़रूरी नहीं है कि मुसन्निफ़ भी सही हो। तो सही किताब की हदीस सुन लो, किताब अगर सही हो क्या ज़रूरी है मुसन्निफ़ सही हो? कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो सही किताब की हदीस सुन लो। अच्छा, दो तरीक़ों से आइए, वो दोनों तरीके सुन लो। मेहदी के दो गवाह ईसा और कुरान, कैफ़ा बेकुम ऐसा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, वो दिन तुम्हारे लिए कितना अजीब दिन होगा जब ईसा आसमान से उतरेंगे और तुम्हारा इमाम मौजूद होगा, लेकिन ईसा की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे इमाम को नमाज पढ़ाए, तुम्हारा इमाम ईसा को नमाज पढ़ाएगा। एक रिवायत, दूसरी रिवायत, कैफ अंतुम ऐसा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, कितने खुशहाल होगे तुम जब ईसा भी होंगे, तुम्हारा बारवा भी होगा, लेकिन ईसा की हिम्मत नहीं होगी कि बारहवें को नमाज पढ़ाए, बारहवा ईसा को नमाज पढ़ाएगा। ईसा साहिब इंजील, साहिब शरीयत, उरुल अज़म रसूल, आज तक जिंदा है चौथे आसमान पे। जब मासूम नबी की हिम्मत नहीं कि वो बारहवें को नमाज पढ़ा सके, तो कोई खताकार उम्मती पहले को कैसे नमाज पढ़ा देगा। वाह, खैर दावा।